मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज है फ्राइडे और अभी सुबह के शायद 7:30 ही बजे है, पर मैं बिल्कुल तैयार हो गई हूँ क्योंकि आज राज का रूम वो पेंट करने आ रहा है। तो आई थॉट कि वो आए ना, उससे पहले मैं तैयार हो जाती हूँ, क्योंकि एक बार कोई घर पे है तो इट्स बेटर कि मेरा काम ख़त्म हो जाए। तो अगर उसको कुछ क्वेश्चन वगैरह है, कुछ है, तो यू नो आई एम अवेलेबल डाउन देयर। एंड यस, अभी तो चाय पीनी बाकी है, बच्चों का ब्रेकफास्ट बाकी है, सब कुछ बाकी है, पर आई थॉट लेट मी स्टार्ट माई मॉर्निंग विद यू गाइस। तो फटाफट पहले चलते हैं राज के रूम में, और मैं आपको बताती हूँ कि उस रूम का हाल अभी क्या है। सो ये रूम तो हमारा पूरा खाली हो गया, और ये जो डिकल्स है ना, आई विश आई कैन डोनेट टू समवन, क्योंकि बहुत अच्छे है। लाइक ऊपर वाले जो है ना, वो सब सेपरेट है, पर अब मेरी काम तो के है नहीं कोई, और बच्चों को कहीं पे ये नहीं चाहिए। पर ये जो पेंटर आया है ना, उसको मैंने पूछा कि अगर आपको चाहिए तो ले जाओ। बट या दैट्स इट, दिस विल बी द लास्ट। अभी वो लोग आ गए हैं ना, तो शुरू करेंगे, अब सब प्रेप करेंगे इसको, और उसके बाद पेंट होगा। तो दिस इज इट। ये रूम है ना पूरा भरा पड़ा हुआ है, अभी सब जगह चीज़ें पड़ी हुई है, ना ही चलने की यहाँ पे जगह है, पर दैट्स ओके, क्योंकि जो इस रूम में अभी हो रहा है ना, राज इज़ लविंग दिस कलर, यू नो, क्योंकि दो कलर हमने चूज़ किए थे, राइट, मैंने बताया था, तो उसमें से थोड़ा हो रहा था कि कौन सा ले, पर ही सो हैप्पी कि उसने ये पिक किया, और बच्चों को खुश देख के हमें ऑटोमेटिक हम भी खुश हो ही जाता है, राइट। तो अभी तो ये रूम हो रहा है। तो आज सुबह में मैंने बनाया था आलू पोहा, और बच्चों ने तो सीरियल्स वगैरह खा लिए थे। आलू पोहा इसलिए बना था क्योंकि मेरे हस्बैंड भी आज घर पे क्योंकि वो जब घर पे होते हैं तो मैं बनाती हूँ, अदरवाइज़ मैं अकेली हूँ ना, तो अकेले अकेले वैसे भी खाने का कोई मन नहीं होता ना, तो स्मूदी है, जूस है, ऐसा कुछ बना लेती हूँ मैं। और उसके बाद मैं गई थी लोज़ और टारगेट। टारगेट में से तो मुझे कुछ लेना था, पर लोज़ का अभी ये चक्कर हमारा हुआ है कि हमने पहले सोचा कि जो कारपेट हमें इंस्टॉल करनी है, वो अगर लोज़ का ऐसा है कि अगर मिनिमम है तब भी वो लोग आके इंस्टॉल करेंगे, अदरवाइज दे चार्ज एक्स्ट्रा एंड ऑल दैट स्टफ। सो वी थॉट कि भाई एक रूम के लिए तो वी दे विल नॉट कम। तो हमने हमारा कॉन्ट्रैक्टर तैयार रखा था कि वो आके इंस्टॉल कर जाएगा, और जो कारपेट है वो हम बाय करेंगे लोज से। तो लोज में जब गई, वो सब जब अंदर यू नो मेजरमेंट कर रहा था ना, तो ही इज़ लाइक कि नहीं, यू नो सीम लाइक दिस रूम इज़ बिगर, वी कैन इंस्टॉल इट फॉर फ्री। सो आई वाज लाइक दैट्स गुड, राइट, सो देन वी डोंट हैव टू पे सेपरेटली फॉर द इंस्टॉल द कॉन्ट्रैक्टर गाय। सो आई वाज लाइक ओके चलो ठीक है, वो एक तो काम हमारा हो गया, बट द प्रॉब्लम इज़ नाउ कि वो लोग 19 तक अभी मेजर करने नहीं आ सकते, और उसके बाद आके मेजर करेंगे, उसके बाद जब ऑर्डर रखेंगे तो उसके बाद दो और वीक लग जाएंगे। तो 3 वीक के लिए ये सारा सामान यहाँ पे हुआ, क्योंकि अभी राज का आधा सामान यहाँ पे, आधा हमारे रूम में, तो आई वाज लाइक 3 वीक के लिए तो बहुत हो गया ना, क्योंकि हमारा प्लान यही था कि एक बार अच्छी तरीके से पेंट हो जाए, उसके बाद हम कारपेट चेंज कर लेंगे, तो फिर उसके बाद ही सब ये फर्नीचर भी हमने थोड़ा नया ऑर्डर किया राज के लिए, तो वी थॉट कि उसके बाद ही सब कुछ हम अंदर रखेंगे, तो इट्स इजी ना, क्योंकि अभी ये रखो फिर वापस कारपेट चेंज करवाओ तो फिर करो, तो इससे अच्छा कि सब कुछ एक ही टाइम पे हो जाए और वो एक रूम ख़त्म हो जाए, उसके बाद हम लोग ये रूम पकड़ने वाले थे। अभी ये झंझट हो गया कि तीन वीक के लिए तो कुछ नहीं हो सकता हमारा, और ये रूम तो शाम तक और मे बी कल तक सब कुछ ख़त्म हो जाएगा, यू नो, तो इसका तो कोई ज़्यादा टाइम लगने वाला है नहीं, पर क्या करें। बट देन वी थॉट कि ठीक है चलो जो भी है हम लोग के साथ ही जाएंगे, क्योंकि एज आई मेंशन यू नो कि वो लोग अभी फ्री इंस्टॉल कर रहे हैं, तो वो पैसे तो बच जाएंगे, क्योंकि ये जो कारपेट वगैरह आती है ना, इट इज़ एक्सपेंसिव, स्पेशली इफ़ यू गो विथ दोज हाइपर एलर्जेनिक एंड ऑल दैट। सो आई वाज लाइक ठीक है यार चलो, जो हमें एक वीक में ख़त्म करना था उसको अभी 3 वीक और लग जाएंगे। पर राज इज डेफिनेटली ही इज सो हैप्पी विद दिस कलर, एंड आई कैन नॉट वेट एंड टू शेयर विद यू गाइस, क्योंकि इस रूम का भी मैंने जो पिक किया था उसमें से हमने वापस चेंज कर दिया है कलर,
तो ये रूम भी बहुत बढ़िया होने वाला है, तो यू नो डेफिनेटली आई एम गोना शेयर विथ यू गाइस। पर बस अभी आई और मैं तो टाको बेल लेके आई बच्चों के लिए। मैंने हस्बैंड को पूछा, इज लाइक कि यार ठीक है मैं भी खा लूँगा। तो आई वाज लाइक कि चलो यार, क्योंकि गर्मी होती है ना, गर्मी में ना ही आपको कुछ काम करने का मन होता है ना ही कुछ होता है। तो एक तो मेरा टारगेट में तो कुछ ज़्यादा टाइम नहीं लगा, आई वुड से हाफ एन आवर, पर लोज में काफ़ी टाइम लग गया मेरा। उसके बाद फिर आके घर पे लंच बनाओ वगैरह, तो आई वॉज लाइक कि टाको बेल में लेके आती हूँ। वैसे भी फ्राइडे है तो बच्चों को तो टाको बेल से कोई प्रॉब्लम होता ही नहीं है। तो बस लंच का तो वो हो गया, और शाम को आज मैं सोच रही हूँ मुझे कुछ तीखा खाने का इतना मन हो रहा है ना, तो तीखा कुछ ढाबे स्टाइल कुछ खाना बनाऊंगी आज। पर चलते नीचे चाय बनाते हैं, क्योंकि वैसे भी गर्मी है, पर पता नहीं देखते हैं नीचे जाके क्या करते हैं। पर आई विश आई कैन शेयर दैट रूम विथ यू गाइस, आई कैन सी इट फ्रॉम हियर ना। तो अभी थोड़ा बाकी है, आई मीन अभी तो एक ही वॉल हुई है, ज़्यादा हुआ नहीं है, पर इट लुक्स सो नाइस। अगर आप चीज़ केक फैक्ट्री के ये केक खाने के शौकीन है ना, तो आपको ये टारगेट में से मिल जाएगा। तो ये ओरिजिनल है, ये बेल्जियम चॉकलेट का है, और आई बिलीव उन लोगों के पास रास्पबेरी भी है, पर राज है ना वो कुकी मॉन्स्टर है, उसको ये चीज़ केक उसको बहुत पसंद है। तो हमारे वहाँ पे चीज़ केक फैक्ट्री है, पर काफ़ी दूर है, तो टारगेट में से मैं जब भी जाती हूँ ना उसके लिए ले आती हूँ। तो आई जस्ट वॉन्ट शेयर इट हियर कि अगर आप भी शौकीन है ना, तो टारगेट में से मिल जाएगा आपको। वो जहाँ पे फ्रोजन सेक्शन होता है ना, जहाँ पे डिज़र्ट वगैरह रहता है उनका, वहीं पे होता है ये। वेदर है ना मेरा मोस्ट फेवरेट वेदर है, और कितना सूदिंग भी लगता है राइट, पानी की आवाज़ उसके ऊपर, ये ठंडी ठंडी हवा। तो बस और कुछ नहीं चाहिए, चाय की कमी है। और यहाँ पे बैठ के मैं इंजॉय कर सकती हूँ। बट आई एम टेलिंग यू गाइस, आई लव दिस वेदर सो मच। और जैसे आप अभी ये देख रहे हो तो विंडी है अभी, तो ऐसा मौसम है ना फ्लोरिडा में बहुत होता था, तो आज बस फ्लोरिडा की याद आ गई मुझे। और स्पेशली उस घर में तो हमारा पीछे पोर्च है ना, अगर आपने उस घर का वीडियो देखा है तो घर के पीछे बहुत बड़ा सा हमारा पोर्च है और सामने लेक है। तो वो पोर्च है ना, तो वहाँ पे हमने एक झूला रखा हुआ था, तो वो स्विंग पे बैठ के, अभी भी मुझे याद है कि हम लोग चाय पकोड़े, मैं मम्मी पापा भाई हम सब वहाँ पे बैठ के बस ऐसे मौसम में वहाँ पे चाय और पकोड़े खाते थे। तो बस आज फ्लोरिडा के घर की याद आ गई, एंड ऑब्वियसली पापा मम्मी की याद तो हमेशा मेरे साथ ही रहती है। वेर आई लव दिस वेदर यू नो, और अभी तो जैसे आप देख रहे हो इतना विंडी है, आई लव दिस आई एब्सोल्युटली। और आज एक्चुअली यू नो फॉरकास्ट में कुछ था भी नहीं कि आज इतनी बारिश होगी, और हो गई। तो गोभी को पहले हम शैलो फ्राई करेंगे, अगर आपको डीप फ्राई भी करना है ना तो भी आप कर सकते हो। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि काफ़ी सारा ऑयल मैंने लिया हुआ है, और अगर आपको मस्टर्ड ऑयल में बनाना है तो भी आप बना सकते हो, पर मैं यहाँ पे रेगुलर जो हमारा कनोला ऑयल आता है बस वही यूज़ कर रही हूँ। तो जैसे ही तेल गरम होना, हम इसमें, यहाँ पे मैंने गोभी बड़ी वाली ऐसे साइज़ में काट के रखी है, तो वो पहले मैं ऐड कर दूंगी। और हमें गोभी को अबाउट 75% जब तक कुक ना हो जाए ना, तब तक उसको कुक करना है। और मैं यहाँ पे सॉल्ट भी थोड़ा ऐड कर देती हूँ। सब कुछ मिक्स करके अब इसको हम पकने देंगे। सो यहाँ पे हमारी गोभी तैयार है, तो मैं उसको पहले निकाल लूँगी। सो ये सेम ऑयल में हम आलू को भी शैलो फ्राई कर लेंगे, और इसको भी मैंने ऐसे लंबी उसकी स्लाइस कर रखी है। यहाँ भी मैं थोड़ा सॉल्ट ऐड कर दूंगी इसमें, और सब कुछ मिक्स करके अगेन इसको भी हम पकाएंगे जब तक ये 75% तक ना पक जाए।
और यहाँ पे हमारे आलू भी हो गए, तो वो मैं अब निकाल लूँगी। सो ये सेम ऑयल में, एक्चुअली थोड़ा ज़्यादा ऑयल था तो मैंने निकाल दिया है, और जितना थोड़ा बस अंदर है उसी में अब हम मसाला बनाएंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं ऐड कर रही हूँ क्यूमिन सीड्स, उसके बाद ऐड कर रही हूँ हींग। यहाँ पे मेरे पास है जिंजर गार्लिक एंड ग्रीन चिली, उसका मैंने ऐसे ब्लेंड कर दिया है, तो वो मैं ऐड कर दूँगी इसमें। और नेक्स्ट मैं ऐड कर रही हूँ चॉप ऑनियन। नेक्स्ट मैं ऐड कर रही हूँ टमाटर। और इसको भी हम 5 मिनट तक होने देंगे। और यहाँ पे अब मैं थोड़ा सॉल्ट ऐड कर दूँगी। और उसके बाद हमारे जो भी ड्राई मसाले हैं वो मैं ऐड करूँगी। तो सबसे पहले जाएगा मिर्च, उसके बाद हल्दी पाउडर और धनिया जीरा पाउडर। और मैं ऐड कर रही हूँ थोड़ा सा गरम मसाला। वापस सब कुछ हम प्रॉपरली मिक्स कर देंगे। ये थोड़ा सा ड्राई लग रहा है तो इसलिए मैं थोड़ा सा पानी इसमें ऐड कर रही हूँ। आलू और गोभी दोनों मैं इसमें ऐड कर दूँगी। ये सब चीज़ों को हमें बहुत हल्के हाथों से मिक्स करना है। सो इसको मैं अब स्लो फ्लेम पे 5 मिनट तक होने दूंगी, क्योंकि हमारे अभी भी आलू और गोभी जो है वो पूरी तरीके से पके नहीं है। सो यहाँ पे हमारी ढाबे वाली आलू गोभी सब्जी बिल्कुल तैयार है, और जैसे आप देख रहे हो ऑयल भी उसमें सेपरेट हो रहा है। तो इस टाइम पे मैं बस थोड़ा सा ऊपर से धनिया पत्ता ऐड कर दूंगी। अभी मेरे किचन में है ना इतनी अच्छी खुशबू आ रही है, तो बस मैं रोटियां बना दूंगी। और इसके साथ जो आप रोटी बनाते हो ना वो मोटी वाली रखना, क्योंकि ढाबे में हम घर पे जैसे पतली पतली चपाती बनाते हैं वैसी तो मिलती नहीं है ना उन लोग, वो तो बहुत बड़ी सी बनाते हैं। तो बस वैसे ही मैं बना रही हूँ, पर सब्जी तो हो गई हमारी तैयार। सो यहाँ पे हमारा डिनर तैयार है, ढाबे स्टाइल आलू गोभी की सब्जी, बड़ी बड़ी रोटियाँ भी मैंने बना दी और प्याज काटी है। और जब भी आप ढाबे पे खाना खाने जाओ तो हमेशा छाछ और लस्सी होती है उसके साथ, तो वो भी मैंने बनाई है। पर बिल्ली मीगा ये सब्जी इतनी टेस्टी बनी थी ना, ये कोई हेल्दी नहीं है। आई अग्री विथ यू गाइस, आई एम श्योर आप वही बोलोंगे कि ये इतना शैलो फ्राई किया है उसको, पर कभी कभी चलता है यू नो, हर रोज़ की हमें इतना कॉन्शियस नहीं रहना चाहिए, बैलेंस लाइफ में बहुत ज़रूरी होता है। तो आज का खाना डेफिनेटली बहुत एक्चुअली यादें लेके आया है, बहुत यमी बना था। बारिश तो कम हो गई पर ये देखो रेनबो बना हुआ है और पीछे तक है। तो बस लाइफ का भी ऐसा ही है कि डजंट मैटर कितना भी बुरा वक्त हमारा चलता है ना, देयर इज़ ऑलवेज रेनबो आफ्टर एवरी स्टॉर्म। तो ये नेचर है ना हमें बहुत कुछ सिखाती है, बस हमें उससे कनेक्ट होना होता है। पर कितना प्यारा लग रहा है ना, बारिश के बाद ये एटमॉस्फेयर इतना फ्रेश हो जाता है ना, इतना लाइक ठंडी ठंडी हवा आ रही है और थोड़ी थोड़ी बारिश हो रही है, इतनी नहीं हो रही है। सो हम लोग सोच रहे हैं कि वॉक करने जाए, क्योंकि अभी भी लगता है कि बारिश तो होगी पर अभी थोड़ी कम है ना, तो इट्स गुड कि हम लोग वॉक करके आए। पर ये सब्जी मैन इतनी अच्छी बनी थी, कोई एंगल से वो हेल्दी नहीं थी क्योंकि उसको मैंने शैलो फ्राई किया था, पर बिलीव मी गाइस इतनी टेस्टी बनी थी ना। और लेट मी फ्लिप द कैमरा बिकॉज लेट मी शो यू कि कौन यहाँ पे आ रहा है। ये देखो गाइस डक आ रही है। तो अभी यू नो पहले डक मेरे यहाँ पे नहीं आती थी, आती थी पर वहाँ पे पॉन्ड है ना तो पॉन्ड में रहती थी, यहाँ पे नहीं आती थी। पर अब उसको पता है ना कि मैं यहाँ पे उन लोगों के लिए सीड्स डालती हूँ,
तो अभी आती है यहाँ पे, और ये दोनों है ना हमेशा साथ में रहते हैं। कभी भी मैंने जितनी बार भी यहाँ पे आया ना, कभी भी मैंने एक को नहीं देखा, हमेशा वो दोनों साथ में आते हैं। और स्पेशली इस टाइम पे तो शाम को आते ही आते हैं। दैट इज़ सो नाइस टू सी ना, कि ऐसे जब आए बर्ड्स। तो इवन यहाँ पे मैं बातें कर रही हूँ ना, फिर भी दोनों अपना शांति से डिनर एंजॉय कर रहे हैं। और शाम को तो है ना, मैं हमेशा वो ट्राई करती हूँ सोने से पहले भी, अगर मैं भूल भी जाऊँ ना, कि वहाँ पे मैं सीड्स डाल दूँ, क्योंकि रात को डियर्स आते हैं। तो मुझे वो होता है कि यार अगर वो आएंगे और नहीं होंगे सीड्स, तो देन दे फील लाइक कि यार आज तो खाना मिला ही नहीं। तो मैं हमेशा मेक श्योर करती हूँ कि रात को तो एटलीस्ट, मैं पूरे दिन में तो हम चेक करते ही रहते हैं, पर इवन रात को भी मैं मेक श्योर कर लेती हूँ सोने से पहले कि वहाँ पे सीड्स है। तो जैसे मैंने आपको बताया, सब्जी बहुत अच्छी बनी थी, इतनी तीखी नहीं बनी थी, एंड दैट्स ओके, क्योंकि यू नो फिर बहुत ज़्यादा भी तीखा हो जाए ना तो फिर मज़ा नहीं आता खाने में। पर ये कुछ अलग थी, तो डेफिनेटली आप ट्राई करना। और दैट्स इट, आई एम गोना एंड दिस व्लॉग। पेंट हमारा हो गया है, राज का रूम का कंप्लीट हो गया है, तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूँगी। बट टिल देन टेक केयर गाइज, गुड नाइट, एंड आई विल सी यू सून इन माई नेक्स्ट वीडियो। बाय।